हे एवरीवन, गर्मियों का मौसम है और घर पर बहुत सारे आम भी पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक और आम की टेस्टी रेसिपी शेयर की जाए। तो इसलिए आज मैं अपने चैनल फूड अपडेट्स पर बनाने वाली हूँ मैंगो की एक ऐसी डेजर्ट की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये झटपट से रेडी भी हो जाती है। तो बिना किसी देरी के बनाते हैं मैंगो सेवई खीर की रेसिपी। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो क्विकली देख लेते हैं इसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। रोस्टेड सेवई या वर्मिसली 1 कप, आम की प्यूरी 1/2 कप, घी 2 से 3 टेबलस्पून, दूध 1/2 लीटर, चीनी 3/4 कप, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज़्यादा ले सकते हैं, इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून, काजू मैंने यहाँ पे लिया है 10 से 12, आप चाहे तो अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई हीट कर ले और डाले 2 से 3 टेबलस्पून घी, और घी के थोड़ा गर्म होने पर डाले ड्राई फ्रूट्स। मैंने 10 से 12 काजू ही लिए हैं, आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। काजू को लो फ्लेम पर कुछ सेकंड्स के लिए गोल्डन होने तक रोस्ट करेंगे। इसे चलाते हुए रोस्ट करें ताकि काजू जो है वो सभी साइड से इवनली रोस्ट हो जाए। काजू का कलर चेंज हो गया है तो अब इसे निकाल लेते हैं। अब सेम कढ़ाई में 1 कप सेवई डालें। मैं रोस्टेड सेवई यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए इसे आधे से 1 मिनट के लिए ही रोस्ट करेंगे घी के साथ लो फ्लेम पर। अगर आप बिना रोस्ट की हुई सेवई लेते हैं तो इसे 2 से 2.5 मिनट के करीब गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करें। सेवई को रोस्ट करने के लिए मैं घी का यूज़ कर रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप घी यूज़ करते हैं तो खीर का टेस्ट और इसका अरोमा काफ़ी अच्छा आता है। सेवई घी के साथ अच्छे से रोस्ट हो गई है, तो चलिए अब इसमें दूध ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ 500 ml यानी 1/2 लीटर दूध लिया है। अच्छे से इसे सेवई के साथ मिला ले और एक बॉईल आने दे। अब हमें डालना है 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। 2 मिनट इसे लो फ्लेम पर कुक करें। 2 मिनट हो गया है, अब हमें डालना है चीनी जो मैंने लिया है 3/4 कप यानी करीब करीब 12 टेबलस्पून। आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। चीनी को सेवई के साथ लो फ्लेम पर अच्छे से मिला ले। कुछ सेकेंड्स में चीनी अच्छे से घुल जाएगी, आप देख सकते हैं चीनी पूरी तरह घुल गई है। अब गैस ऑफ कर ले और इसे थोड़ा ठंडा कर ले। रूम टेम्परेचर पर जैसे ही ये आ जाए तो हमें डालना है 1/2 कप आम की प्यूरी। मैंने यहाँ बादाम मैंगो लिया है जो मैंगो का एक टाइप है। बादाम मैंगो बहुत मीठी नहीं होती इसलिए मैंने चीनी इसके अकॉर्डिंग डाला है। आप देख सकते हैं आम की प्यूरी अच्छे से सेवई के साथ मिल चुकी है। सेवई की कंसिस्टेंसी अगर थोड़ी थिक लगे तो दूध ऐड कर ले। आपने नोटिस किया होगा मैंने सेवई को ठंडा करके ही आम की प्यूरी डाली थी, क्योंकि अगर आप गर्म सेवई में आम की प्यूरी डालेंगे तो सेवई में जो दूध डाली है वो फट जाएगी, इसलिए मैंगो खीर बनाते वक्त इस बात का ख्याल जरूर रखें। अब लास्ट में डालेंगे कुछ काजू जो मैंने पहले ही घी के साथ रोस्ट कर लिए थे। आप इसमें अपने चॉइस के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से ड्राई फ्रूट्स को मिला ले और ये लीजिए, बन गई रिफ्रेशिंग एंड टेस्टी मैंगो सेवई खीर की रेसिपी। आप इसे चिल्ड सर्व करें और इंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये मैंगो सेवई खीर की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल फूड अपडेट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।